जी अगला सवाल। मलिक साला जी, मेरा नाम है ते तजवीज़ मैं देना कि एक एकेडमी कायम होने दे करता यकीनन 5-7 महीने लग दें ते नफसियाती असरात बड़े ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उजागर हो गए ते इतफाक़ इत्तेहाद दी फिज़ा वे। इस दौरान अगर एक सेक्रेटेरिएट बाज़ाब्ता कायम करके ते करस्पॉन्डिंग की जाए ते बाकायदा मेंबरशिप दा इजरा किया जाए तो बड़ी कायम है सेक्रेटेरिएट कायम है गंदारा इनको बोर्ड दा दफ्तर जड़ा है आगा जी जफर अली शाह दी बिल्डिंग दी तीसरी मंजिल दे कायम है और उत्थे साडा स्टाफ बमाए कंप्यूटर टेलीफोन फैक्स मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तुम कभी तशरीफ लियाए उत्थे मेंबरशिप दे बारे थोड़ा के मेंबरशिप उठो आके फार्म लाओ आप भी लाओ ते तकसीम करो साढ़े 1000 मेंबर जड़े ते अमेरिका लंदन ते बरतानिया मॉन्ट्रियाल ते उसे आस्ट्रेलिया दे कार भी मौजूद जड़े साढ़े कोलो फार्म मंगदे ले जांदे सानू चंदे देंदे हुन ये सारे कम पे करदे असी कोई कोलो वो जेब अपनी जेबा चो भी साढ़े डॉक्टर अदनान साहब जड़े मतलब ये कहने की गल नहीं है पैसे दिया गल नहीं है लेकिन तकरीबन मैं ये समझना वा अगर मैं कह देवा कि 50,000 रुपया महीना अपनी जेब चो खर्च करन गंदारा इनको वोट देते यार इनको इनको वाहन जो को चला जाए तो उसे इलाज मुआलजे की अपनी दवाई भी कोलो देंगे बस जितों तक साड़ा वास है कि करने पे डॉक्टर साहब तुम मौजूद नहीं हो मैंने अपनी स्पीच जेकर शहर के सरमायदारों रिक्वेस्ट की है कि उसरा लैंग्वेज दे जबान की तरवीज से सरमाकारी करो मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ तो मैं खुद भी हाजिर हाँ ऐसी गल नहीं वैसे मैं ये कह देव कि सरमाकार की हदूद के कारण मलिक साहब भी आते हैं कायम करने उसके अंदर असी सब दरखास्त करने एक एक लख रुपया मेंबरशिप उसकी कायम कर सी है जेडे लोग मतलब इन्हें आला और जरनी ख्याल के हामिल हैं ताकि साढ़े को 5-10 करोड़ रुपया जमा हो जाए ताकि असी सब तो पहले अपने से इनको एक चैनल भी शुरू करिए और उसने तमाम अपनी सारी क्योंकि सानू इनको चैनल वास्ते 5 करोड़ रुपये की जरूरत है तो असी कोशिश टमक टोइया पर मारने 10-15 लख रुपया पैदा करके असी कॉन्फ्रेंस तक कर लीती है हूँ 5 करोड़ रुपए की असी तलाश चा इंशाल्लाह तुहाड़े जे लोग साडे नाल तावन करन वो 5 करोड़ रुपया ले जाके असी कैसी लो जी इनको चैनल खोलो डॉक्टर साहब उसके 5 करोड़ की इब्तदा मलिक साहब अपनी जेब सो कर सुन इंशाल्लाह होनी ऐलान कर इंशाल्लाह चलो क्यों नहीं मलिक साहब ठीक है ना जी ऐलान कर दियो ऐलान कर दियो जी जी माइक देंगे जी अच्छा जी ठीक है जी अगले जी 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 माइक जी मेरा नाम तारिक है जी ते सबसे पहले तो पहली हिंदको आलमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने ते तुहानू सब नू मुबारकबाद मेरा जी डॉक्टर जहूर अहमद अवान साहब नू ते इत्थे यूनुस नसी साहब बैठे जी एक छोटी जी मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है कुछ दिन पहले कि ऐसे भी लोगों को कन्विंस कर दे रहे हैं अपने पिछोरी लोगों को या कि जी तुमने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है तो डॉक्टर साहब की स्पेशली के आसी साहब के कलम पढ़ने वाले की बहुत बड़ी तादाद है जिसे कार न सिर्फ पिछोरी बल्कि हमारे पठान लोग भी तो कुछ लोगों ने विचार इस तरह के कमेंट्स पास किए कि जिस तरह सिंध के कार माजरा का सिंधिया का एक इशू खलोता खुलवाया एक जमाने के कार तो यह बैठे बिठाए जरा पिछोरिया किधर अपनी इनको जबान याद आ गई कि ना लोगों ने ये शुरू कर दी है इसे कार कोई साजिश इन्वॉल्व है कि इस किस्म के बाद लोग तासर पे दें तो मेरी रिक्वेस्ट है वे अपने ना मौजूद कालम निगारा स्पेशल तो भी कि तुम अपने कालम ने कार एटलीस्ट इस चीज़ की वजाहत करो कि इस किस्म की कोई फीलिंग नहीं गई कि पिछोरी या पठान लड़ाने की अच्छी कोई साजिश नहीं गई बाकायदा इनको वास्ते असी लोग कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल नहीं गई लेकिन जड़े लोग अगर इस सवाल नु इस तरह उठाना चाहते हैं वो हमेशा से जब पाकिस्तान बने उस वक्त भी उठा रहे तो उन्होंने उठाने दो हाथ आजाद दो उन्होंने दूसरी गल ये होंगी अगर जमीनी तौर पर ये वो हिसाब है कि खोते वाला तो आदमी वाला हिसाब है खोते नु सिर ते भी चुक लो तो लोग राजी नहीं होंगे तुम अपना काम करो तुम ये देखो कि खुदा थोड़े वाल है नहीं गा तुम ये देखो कि तुम खुदा वाल है वो कि नहीं गए बस असी तो अपने सीधे रस्ते टुर रहे हैं ना असी किसी के खिलाफ नहीं गया किसी जुबान के खिलाफ नहीं गया सिर्फ असं ये चाहते हैं कि जिस तरह और जबान तरक्की कर दी साड़ी जबान भी तरक्की करे और जबानों को अगर सरकारी सरप्रस्ती मिलती है साड़ी जबान में भी सरकारी सरप्रस्ती मिले और साढ़े अपने तबके ऐसे लोग हैं कि इंशाल्लाह हूँ सारे फैसला किया है कि असी बगैर सरकारी इमदाद दे इनको अकैडमी बना सीए इंशाल्लाह सानू आजी आजी साहब ने साढ़ा जड़े पिशावर के नाजम उन्होंने लैंड का वादा किया है
انشاءاللہ لینڈ اسی انہاں سی لیسی تے باقی اسے تے ایریکٹ کرنے جڑا ہے او انشاءاللہ اسی اپنے وسائل تے کر سی پشاور دے لوگ اتنے گئے گزرے نہیں گے تسی جا کے اتفاق ہسپیٹل دیکھ لو افتخار حسین شاہ نے صرف چار کنال جگہ دیتی ہے 10 لاکھ روپیہ اس نے دیتا ہے 1.5 کروڑ روپیہ ساڑھے گروڑا جڑے دوست پشاور دے مخیر لوگ ہیں انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ جا کے اسپتال گردیا دیکھ لو سٹیٹ آف دی آرٹ امریکن سٹائل دا جڑا اسپتال ہے جا کے گلبار دیکھ لو پشاور دے لوگ کم کرنا جان دے کر سن انشاءاللہ بسم اللہ